रेलवे की नई पेंशन स्कीम निजीकरण और आउटसोर्सिंग के विरोध में एनी रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने गुरुवार को रेलवे स्टेशन परिसर में जुलूस निकाला। रेलवे कर्मचारियों का यह जुलूस रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 एसी लॉन से निकलकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 5 तक भ्रमण किया। जुलूस के दौरान यूनियन के सदस्यों ने अपने हाथों में यूनियन का झंडा लेकर जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन कर रहे यूनियन के सदस्यों का कहना है कि रेलवे कर्मचारियों की तमाम समस्याएं लंबित हैं, जिसको लेकर यूनियन समय समय पर आंदोलन कर अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराती है। इसके बावजूद रेल अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं। रेल अधिकारियों के इस रवैये से कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए यूनियन के महामंत्री KL गुप्ता ने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द ही पूरी नहीं हुई तो यूनियन के सदस्य धरने पर बैठने का काम करेंगे। प्रसंग तीन बातों पर। पहला बात है कि रेलवे बोर्ड ने ये कहा है कि सतमा पे कमीशन के बाद रनिंग अलाउंस का डिक्लेरेशन अभी एक महीना पहले रेलवे बोर्ड की मीटिंग हुई ARF से, उन्होंने कहा ये रनिंग वाला जो है अलाउंस का तुरंत जल्दी से रिकमेंडेशन हो गया है और रेल मिनिस्टर के दस्तखत से निकलने वाला है। वो देर हो रहा है, लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही, नंबर वन। नंबर टू, प्रिंटिंग पर वो कहा है 31 जुलाई को हम ताला बंद कर देंगे, और जबकि काम पड़ा हुआ है, काम को करना है। जिस जिस डिपार्टमेंट में काम लोडअप किया वो इनकार कर दिया। तीसरी बात, अभी अस्पताल में जो 5 साल से नर्सिंग शिक्षक काम करें उनको बैठा दिया 1 जुलाई से, 17 है। अब बुढ़िया लोगों को भर्ती करने के, रिटायर आदमी अस्पताल में कोई रिटायर आदमी सेवा करेगा क्या? एक्टिव आदमी काम करेगा, लेकिन वहाँ 17 बच्चों को बैठा दिया 17 तारीख को 1 जुलाई से। ये और नाना प्रकार के इश्यू हैं। कॉमर्शियल आर्डर जो आता है वो भी नहीं होता। अभी आया कि 42 आदमी का इलेक्ट्रिकल का इम्तिहान, वो हमेशा गोरखपुर होता है, अब कहा लखनऊ में, तो 42 आदमी है इलेक्ट्रिक जाएंगे वहाँ देने के। तो ये उल्टा फुलटा जितने आदेश होते जा रहे हैं, बोर्ड के आदेश भी पालन नहीं हो रहा है, जो लोकल जो आदेश होना चाहिए रिजर्व वो भी नहीं हो रहा है। ये मजबूरन सरकार को आगाह करने के लिए, लोकल लोगों को आगाह करने के लिए, GM को आगाह करने के लिए प्रदर्शन है। ये लगातार यानी रेलवे मजदूर वहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। अभी डायलिसिस मशीन है, एक पुराना है, वो कन्नम है, लेकिन फिर भी चला जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मरीज आ रहा है, वापस आ रहा है, और डायलिसिस नहीं हो रहा है, तभी पुराने मशीन चला रहे हैं, पता नहीं क्या देखते हैं। उसको CM भी कहा गया, MD को कहा, लिख के दिया गया, और मरीज वापस आ रहा तभी नहीं हो रहा। अभी रेलवे बोर्ड के आज 4 अफसर आए हुए जो स्तर पर देखने के लिए, कहाँ खारू खूबसूरती हो रही है या बर्बाद रेलवे की। रेलवे मजदूरों लगातार लगा हुआ। बीच में भूख हड़ताल के बीच उनको धमकी दी गई, भूख हड़ताल भी किया गया सरकार जो दवा डालने के लिए, लेकिन